अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस हादसे को सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। एक माँ ने 4 साल के बच्चे को इस तरह से कत्ल करके उसके खिलौने और कपड़ों में ना इस तरह से रखी गई थी। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी मौत से हम सबको बचाए। इसका नाम है सूचना सेठ और ये है पेशे से CEO, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें उनमें से ये एक है। एक बंगालियन है और इसका पति जो है केरला का है, मतलब इन दोनों में ना कोर्ट केस चल रहे थे। कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि उस बच्चे को ना इस माँ ने संडे उस बाप को मिलवाना था। तो ये चीज इस पागल औरत को पसंद नहीं आती है। तो ये औरत और इसका बच्चा 8 तारीख को ये बेंगलुरु जाने वाली होती है, और इससे पहले मतलब 6 जनवरी को ये गोवा पहुंच जाती है और एक होटल में रहती है। 8 जनवरी को सडनली होटल वालों से कहती है कि मुझे इमरजेंसी बेंगलुरु जाना है, तो मुझे टैक्सी बुक करवा कर दीजिए। और होटल वाले उससे कहते भी हैं कि इतना इमरजेंसी है तो फ्लाइट बुक करवा दें, मतलब उससे पूछते हैं कि मतलब जल्द से जल्द पहुंच जाओगे आप, फ्लाइट बुक करवा देंगे अगर आप कहेंगे तो। उस लेडी ने मना किया उनको कि नहीं, मुझे टैक्सी से ही जाना है। तो वो है ना 8 जनवरी को वहां से निकल जाती है, मतलब चेकआउट कर जाती है उस होटल से। जब उसके होटल चेकआउट करने के बाद का जो स्टाफ होता है वहां पर क्लीनअप के लिए जाता है, तो देखता है कि मतलब वहां पर खून के धब्बे पड़े होते हैं, धब्बे नजर आते हैं उनको। तो उनको शक होता है और वो जो होता है जो क्लीन अप करने वाला स्टाफ होता है उसने जाकर ना मैनेजर को कहता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैनेजर सडनली पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और वो मतलब सूचना को फोन लगाते हैं, तो सूचना फोन नहीं उठाती है। तो टैक्सी ड्राइवर को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि मतलब पूछते हैं उससे कि आपका बेटा कहाँ है। तो सूचना से पूछने के बाद वो सूचना कहती है कि नहीं, मेरे रिश्तेदार के यहाँ है। तो पुलिस उससे कहती है कि अच्छा वैसा है तो आपका जो रिश्तेदार है उनका एड्रेस बताइए। तो वो मतलब गलत एड्रेस बता देती है और उसके बाद भी पुलिस ने उसको भी जान मतलब उस एड्रेस पर भी मतलब इंक्वायरी करते हैं कि ये एड्रेस सही है या नहीं। तो जब पता चलता है कि ये एड्रेस भी गलत है तो उनको शक हो जाता है इस औरत पर, और पुलिस टैक्सी ड्राइवर को इतला करते हैं कि इसे सूचना को पता ना चले। इस तरह से नियर के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर इसका बैग चेक करवाने का कहते हैं। तो वो टैक्सी ड्राइवर उसको लेकर जाता है। जब लोकेशन होता है तो चित्रदुर्ग में होता है, तो वहां पर नियर जो भी मतलब चित्रदुर्ग का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर लेकर जाता है। जैसे ही उस लेडी की बैग चेक करते हैं तो मतलब उस खिलौने में मतलब उस बैग में वो बच्चे के खिलौने और उसके कपड़े की और वो बच्चे की जो डेड बॉडी होती है ना उसमें रहती है बैग में। तुम सोचो कि मतलब इतनी दरिंदगी इस तरह से इस औरत ने पार की होगी। मतलब बच्चे को एक माँ ना 9 महीने पेट में रहकर इतना तकलीफ चलती है तो ये कैसे कर सकती है। इसको मतलब इसको ये भी जलन थी कि ये अपने स्टेटमेंट में कह भी रही है कि मुझे इस बच्चे को देख कर ना गुस्सा आता था, क्योंकि ये बच्चा अपने बाप पे गया था, अपने मतलब कितना इसका जो बाप है सेम उसी बच्चे की तरह दिखता था, तो इसी वजह से इसने उसको मारा। तो कहती है कि इसी वजह से मतलब उसको देखते ही उसको चीड़ भरती थी। तो देखिए आप, इतना पढ़ लिख कर भी इंसान इस तरह से हैवानियत पार कर देते हैं कि क्या ही कहने।